इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐप स्टॉक्स के अंदर यदि आपको प्रॉफिट और लॉस देखना हो, चाहे वो पिछले एक महीने का हो, एक साल का हो, दो साल का हो, आप चाहते हो कि आपको पिछले एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और आप उसको देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ऐप स्टॉक्स का अकाउंट खोलना है। अकाउंट में बिल्कुल राइट में बॉटम में अकाउंट्स लिखा है, वहाँ पर क्लिक करना है। आपको पता है फंड्स है और यहाँ प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, फिर माई अकाउंट्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद नंबर दो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज यहाँ पे खुल जाएगा, login.appstocks.com। इस पेज के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने दो अलग अलग ऑप्शन है, एक रियलाइज्ड यानी कि जो प्रॉफिट आप बुक कर चुके हो, और इसी के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो अनरियलाइज्ड भी आपको दिखाएगा। तो अभी हम बात करें रियलाइज्ड यानी कि हमने जो प्रॉफिट बुक कर लिया, जैसे कि लास्ट वन मंथ का अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, लास्ट थ्री मंथ का है तो इस पर, करंट फाइनेंशियल ईयर का है तो इस पर, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है तो इसका। तो इस तरीके से हम पिछले फाइनेंशियल ईयर तक का प्रॉफिट एंड लॉस डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट वन मंथ पे हम क्लिक करते हैं और इसको अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो बिल्कुल बॉटम में आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल वे में आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेल भी चाहते हो तो आपको इसको मेल भी कर सकते हो, तो हम यहाँ पे मेल वाला ऑप्शन चूज करते हैं। ईमेल पे हमने क्लिक किया और जैसे हम यहाँ पे मेल पे क्लिक करेंगे हमारे अकाउंट पे एक मेल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रियलाइज्ड P&L रिपोर्ट फॉर 18/3/24 टू 17/4/24 यानी पिछले एक महीने का जो P&L रिपोर्ट है वो यहाँ पे भेज दिया गया। तो इस तरीके से आप कोई भी P&L रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।